and this is day two to Las Vegas and अभी ये हो गया कि आप हमारे पीछे कोई नहीं है क्योंकि दीदी मेरे साथ रूम में रुकी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, मुझे बाल धोने थे, मुझे रेडी होना था, तो दी सबसे पहले तैयार हो गई थी लेकिन फिर भी वो मेरे लिए रुकी। बाकी सब इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे हैं और इस वक्त बज रहा है 1:30 और हम लोग वहीं जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ खाना भी आ चुका है और हमें रास्ता भी नहीं पता है, हम ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं लोकेशन ट्रैक करते हुए। दी कॉल कर रही है और सो हम दोनों टाइम पे पहुंच गए हैं। इन्होंने कहा था कि खाना आ गया लेकिन सिर्फ सूप मिस किया। तो शर्तें लग रही हैं कि वो उनके हाथ में जो पिज्जा है वो हमारा है कि नहीं है। आप क्या कहती हैं? नहीं है हमारा नहीं था। गौरव कह रहे थे हमारा है। ओह माय गॉड, व्हाट इज इट? ये आज तक आपने ऐसा पिज्जा खाया नहीं होगा। ये देखिए कितना थिक है ये, इतना मतलब इतना थिक है ये। और ये देखिए, ऐसा ये पिज्जा नहीं, पता नहीं भाई साहब ऐसे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। अब हम लोग ऑलमोस्ट टाइम क्या हो गया, 4:16 हो रहा है और 4 हम लोग फाइनली अब बाहर निकले हैं टूर के लिए। हमने कहा व्हीकल जो है वो रात को देखना मजा आता था, हम शाम को शुरू हो गए। आज पूरा सो रहने वाले, हम उर्वशी का शो भी नहीं है। हाँ, तो इसका ना भी फन, पूरी रात घूमेंगे। अब आप में देखिए मैं कैसी लग रही हूँ इस वक्त, इतना चश्मा लगा रखा, मास्क पहना हुआ है ताकि टैन ना हो, टैन से बचने के लिए दोनों चीजें। वेगास इज कॉल्ड द फारी आइलैंड, सिन सिटी है और व्हाटएवर हैपेंस इन वेगास एज दे से स्टेज इन वेगास। ये एक स्टेट है नेवाडा, उसके अंदर है और यहाँ पे फेमस फॉर क्लब्स, नाइट लाइफ, पार्टीज एंड अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। कैसीनोज बहुत फेमस है यहाँ के और द स्ट्रिप करके ये जो स्ट्रीट है जिस पर हम चल रहे हैं ये बहुत फेमस है क्योंकि ये पूरा कैसीनो वगैरह पूरा ऐसे इतनी सारे बड़े बड़े इतनी वो जगमग हो जाती है लाइट्स के साथ। और तो हम क्या करेंगे, 2-3 घूमेंगे, थोड़ा रिफ्रेशिंग ब्रेक लेते रहेंगे बीच में एंड I think Urvashi will change her clothes in the night and I'm going to change my clothes as well for the party. Although mere paas kapde hain nahi, to Urvashi kapde lai thi wo usne rakhwa diye, to main ghar pe hi hoon, to khud to glamorous ho gayi, humko liquor mein le jayegi party mein. Anyways, so wo shirt aur jeans mein leke jaungi. Shirt kaun si? Blue. Oh, wo actually mere ko bahut tight ho gayi hai actually. Ab batao abhi jinhone khud kapde khareede aur कंट्रोल नहीं किया तो मैं क्या करूं बताओ। कोई नहीं, नई शर्ट ले लेंगे। चलो नई शर्ट आज अभी खरीदेंगे रात के लिए। और मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर जो मेन स्ट्रिप पर क्या देखना है, देखने को बनता है वो बनता है होटल्स ने जो इंटीरियर अपना कर रखा है वो बहुत खूबसूरत है। लाइक वेनेशियन होटल का इंटीरियर देखना बनता है, और होटल मिराज है और है बेलाजियो में सबसे फेमस जो है उनका फाउंटेन है, रात को देखेंगे हम। और लक्सर करके होटल है, बहुत सुंदर बना हुआ है, वो पिरामिड्स के थीम पे बना हुआ है। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क और ये जो होटल है वो पूरा न्यूयॉर्क की थीम पर बना हुआ है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई हुई है, अगर स्काई लाइंस एंड एवरीथिंग। तो हम ऐसे टर्न होंगे और हम आपको दिखाते हैं अगर दिखता है तो। या दैट इज न्यूयॉर्क एंड दैट्स द रेप्लिका ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क गए हैं उनको पता होगा। और अभी हम उसके अंदर जाके आपको और बताएंगे कि और क्या चीजें हैं जो न्यूयॉर्क से मिलती जुलती। सो लेट्स गो इनसाइड, साथ चलिए। आज गौरव मुझको ऐसा लग रहा है मैं मोटी हो गई हूँ क्या? नहीं मोटी नहीं लग रही, ये पता नहीं क्यों इतना कॉन्शियस हो जाती है। चलो खाएंगे तो सही ना।
आज वो जो पिज्जा खाया है ना चीज वाला चीज डीप डीप बाहर आए दूसरे गेट से तो हमें रियलाइज हुआ कि मेन एंट्री ये वाली थी तो आपको दिखाते हैं मेन एंट्री कैसी दिखती ऊपर जाओ हाँ ये न्यूयॉर्क का स्काईलाइन है जो असली में न्यूयॉर्क में है और यहाँ पर इन्होंने जैसे रिजेंबलेंस तरीके से बनाया हुआ ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी सामने से दिखाते हैं अभी आपको नीचे उतर के और ये एक सामने फ्रंट व्यू है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क का और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला भी होटल है बहुत खूबसूरत कैसल बनी हुई है कैसल टाइप में बिकॉज लास्ट रिजॉर्ट दैट इज वन एंड हियर मैंडले बे दिस इज द फेमस होटल एंड कैसीनो एज़ वेल ओवर हियर Yeah. और पता है यहाँ पर एक एक चीज ऐसी अच्छी है देखने के लिए आप दो दिन में नहीं पूरा कर सकते हैं इसको कम से कम आपको हफ्ता चाहिए एंड एंड स्पेशली कि अगर आपको बहुत सारे वीडियोस और फोटोज चाहिए actually, तो आप हर एक जगह पर खड़े होकर आपका मन करता है कि मैं टिकटॉक बना लूँ रील बना लूँ तो वेगस में आने का ये सीन है कि वेगस में आप ये मत सोच के आएंगे आपको बहुत कुछ देखना है बिकॉज आप नहीं देख पाएंगे कुछ भी नहीं देख पाएंगे जो हम लोगों ने गलती करी है कल से लेके अभी तक अब हम लोगों ने कुछ जगह प्रायोरिटाइज करी है जहाँ पर हम लोग जाएंगे और उनको फुल्ली एंजॉय करेंगे और बाकी नेक्स्ट पे छोड़ देंगे एटलीस्ट exactly. आपको 5-6 चक्कर चाहिए यहाँ पर चार्टर दिन के जब आप पूरा कवर कर सकेंगे वरना आप नहीं कर पाएंगे कवर राइट सो दैट ट्रिप भी पूरी कवर नहीं हो पाएगी कम से कम 2-3 विजिट में भी एक्चुअली मैं चाहता हूँ बेलाजियो में हम लोग शाम को जाएं बिकॉज का फाउंटेन बहुत जबरदस्त है बेलाजियो का फाउंटेन ही इनफैक्ट डांसिंग फाउंटेन है वहाँ पर और वो शायद चालू होता है 6 बजे से शुरू होता है वो 6-9 का ही टाइम है उसका तो 6-9 के बीच में ही वहाँ जाएंगे हम सॉरी मैं बार बार ना कॉन्शियस हो गया मोटा हो गया यहाँ पर तो खाया बट मैंने इंजॉय बहुत किया तो बट मेरे को अभी है कि आप मेरे को 15 दिन बाद देखेंगे मैं वीडियो तो बना ही रहे हैं अब देखिए मैं कितना पतला हो जाऊंगा बट एनीवेज फॉर नाउ वी गोना गो बैक टू द स्ट्रिप हम लोग जाएंगे अभी फॉर एग्जांपल होटल सच एज वेनेशिया जहाँ का अभी बड़ा मजा आएगा देखने में बिकॉज फ्लाइट है हम गोंडोला राइड भी लेंगे हम बोट में सो वी गोना गो टुवर्ड्स द स्ट्रिप अगेन हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ से आपको हमें फ्रंट व्यू दिखाना था पूरा न्यूयॉर्क का और यहाँ से बहुत अच्छा लुक है देखिए आप दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आप जो येलो बिल्डिंग देख रहे हैं हर बंदा पूछ रहे कि अगर आपको पिक्चर चाहिए या नहीं चाहिए हम दोनों मतलब हम लोग को रोक रोक के पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें पिक्चर चाहिए तो हम क्लिक कर देते हैं सो नाइस वी रियली अप्रिशिएट द हॉस्पिटैलिटी ये सिटी सच्ची में हॉस्पिटेबल है हमसे कल रात को भी हम लोग गए थे घूमने पीपल आर वेरी टॉकिंग टू नाइसली हमसे पूछा उन्होंने क्या खाना है रात को हमें 3 बज गए थे तो हमें वो अंकल थे ही वॉज अ क्लीनिंग गाय एंड बट ही आस्क्ड अस एंड हेल्प्ड अस सो आई लाइक द सिटी दिस सिटी मोर देन Los Angeles. Yes. People are very helpful and yes. I'm having a great time so far. और हम अब MGM Grand में जा रहे हैं देखने के लिए क्या स्पेशल है यहाँ देखिए तो ये जो है ये MGM Grand है ये आपने बहुत मूवीज में देखा होगा Ocean's 11 में भी था इसका इसकी बातें अगर आपने Ocean's 11 देखी है पिक्चर कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत सारी बॉलीवुड MGM Grand is famous and it came like pretty long time back so ये काफी famous होटल ये पूरे MGM Grand का मैप है जिसमें 15 तो रेस्टोरेंट हैं एंटरटेनमेंट के अलग हैं सेक्शंस नाइट लाइफ के अलग बने हुए बार्स शॉपिंग गेमिंग एमिनिटीज सो ये अपने आप में एक दुनिया है बहुत बड़ी MGM Grand जिस शेर के लिए फेमस है उस शेर के दर्शन कराते हैं आपको ये देखिए ये MGM Grand जो आपका ब्रांड है उसका मैस्कट है अगर आपने बच्चों ने मूवीज देखी हैं फॉरेन ब्रांड एम्बेसडर हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं आपने तो टॉम एंड जेरी भी देखा उसमें भी शेर आता है बहुत हारता हुआ वो शेर MGM Grand का ही वो ये है अभी कि मैं एडवेंचर हो गया थोड़ा सा और मुझे लगा कि हमें ना ट्रिप पे वापस जाना है तो ये बाहर लेकर आ गए मैंने सोचा कि अंदर से बोल रही थी अंदर से चलो बट मेरे को लगा कि मेरी बात नहीं सुनी और इन्होंने कहा कि नहीं 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 अब हम वो सारा फिर से देख रहे हैं वो चीज जो हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं तो गलती इंसान से हो जाती है बट तो इतना चला रहे हैं मुझको देखिए ये उर्वशी बटन दबा रही है यहाँ पर होता है कि अगर आपको रेड लाइट क्रॉस करनी है तो आपको बटन दबाएंगे जब रेड लाइट होगी यहाँ पर सिग्नल को वो हाथ सामने दिख रहा होगा आपको हाँ वो हाथ ऑरेंज कलर का रुक जाओ तो जब यहाँ पर रेड लाइट हो जाएगी गाड़ियाँ रुक जाएंगी तो क्योंकि आपने सिस्टम में ऑलरेडी बटन दबा दिया तो वहाँ पर आ जाएगा ग्रीन व्हाइट देन वी स्टार्ट वॉकिंग तो जब व्हाइट आएगा तब फिर हम वॉक कर सकते हैं जल्दी जल्दी वॉक करना है सो स्ट्रिप पे ट्रिप मारने का दोबारा आ गए हैं बेकरार करके हमें यूं न जाएंगे आप
आपको हमारी कसम लौट आई है। ये मेरे लिए था, मैं जरूर लौट के आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में। कितने करे हमने अभी? हमने न्यूयॉर्क कवर कर लिया, कैलिफोर्निया कवर कर लिया, एमजीएम ग्रैंड कवर कर लिया। हाँ, तीन होटल तो हो गए हमारे। थ्री होटल थ्री कवर्ड। नाउ वी गोना गो टू कैलिफोर्निया। सो गाइस, अब हम लोग हैं कहाँ पे? कितना सुंदर लग रहा है, हम हैं द वेनेशियन पर और अब हम जा रहे हैं गंडोला राइड करने। ये पूरा वेनिस की तरह बना हुआ है, उस लुक में पूरा बना हुआ है जैसे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के स्टाइल में बना हुआ है, पेरिस पेरिस के स्टाइल में बना हुआ है। ऐसे ही ये जो वेनेशियन है वो वेनिस के स्टाइल में पूरा बनाया गया है। देखिए ये जो गंडोला राइड है ये है $34 पर पर्सन एंड 68 पर टू, और अगर आप कपल हैं और प्राइवेट वो चाहिए तो इट्स अराउंड $136। जो $34 हैं वो शेयरिंग पे है, $34, $36 शेयरिंग पे है। सो हमने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि ऑल्दो इट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम बट देन वी नो दैट स्टिल वी कैन डू दिस अगेन। हम लोग बाद में आएंगे या फिर सीधा वेनिस ही जाएंगे। एग्जैक्टली, मैंने भी गौरव को वही बोला, मैंने कहा सीधे वेनिस लेके चलना, ये वेनिस का एक्सपीरियंस यहाँ नहीं करना मुझको। आई एग्री। सो हम लोग अभी ये ड्रॉप कर रहे हैं आइडिया कि हम गंडोला में जाएं। यस, नॉट बिकॉज़ ऑफ द मनी, बिकॉज़ वी फील दैट इट्स नॉट वर्थ इट, बट ऑफ कोर्स इट्स आवर डिसीजन। आप लोग आएं और आप लोग अगर करना चाहें तो जरूर यहाँ से आप टिकट्स लें, और उसके बाद यहाँ से आप टिकट लेने के बाद यू हैव टू गो हियर एट द पियर। ये पीछे देख रहे हैं पियर, यहाँ से फिर आपको ड्राइव एक लाइक बोट गाय विल असाइन, बोट विल बी असाइन एंड देन योर जर्नी विल स्टार्ट। सो दिस इज द होल राउट, वो पूरा चक्कर लगाएगा वेनेशिया का, बट देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर ट्रिप, राइट? सो हम मिराज में आए थे लेकिन हुआ क्या, हम इधर ये देखने आए थे, यहाँ पर वोल्केनिक शो होता है, तो बोर्ड पर उसमें टाइम लिखा हुआ था 8, 9, 10, 11 yeah. चार शो होते हैं उनके दिन में, मतलब शाम में, और अभी 7 बज रहा है, मतलब 6:54। तो हमने सोचा कि एक घंटे में और चीज़ें देख के फिर 8 बजे का यहाँ पर शो देख लेंगे, और यहाँ शो देख कर गौरव विल चेंज कपड़े एंड फिर खा फिर डिनर करेंगे अच्छे से, और फिर अपन अपना जो और रात का देखना है। फिर हम ये बेलागियो जा रहे हैं, वहाँ का जो फाउंटेन है उसका देख के उसका शो देख के देन विल कम बैक हेयर मतलब वोल्केनो, और अगर टाइम मिला तो फोरम शॉप अभी, और उसके बाद फिर गैल विल गो टू आवर होटल, रिफ्रेशन अप इट, थोड़ा चेंज करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, रेडी फॉर द नाइट। यस, वो होता है पेरिस में आईफिल टावर पे लाइटिंग का, यहाँ भी हो रहा है देखिए। बेलागियो बहुत सारी मूवीज़ में है, ये भी ओशन 11 में था जिसमें ब्रैड पिट है और जॉर्ज क्लूनी है, तो ये मूवी में था, और उस मूवी में यही बताया था कि इसके ही वॉल्ट से कसिनो वॉल्ट से चोरी हुई थी। आप मूवी देखें ओशन 11, बट वी आर नाउ इन बेलागियो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कसिनो इन द वर्ल्ड एंड होटल इन द वर्ल्ड। हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं ताकि उनका जो फाउंटेन है उसको अच्छी तरह कवर कर सके, एंड यू नो दिस प्लेस हैज क्यूरियस बिकॉज अभी तक मैंने होटल के अंदर किसी इतने सारे लग्जरी ब्रांड नहीं देखे, और ये दिस इज द फर्स्ट वन वेयर यू कुड फाइंड, जैसे दिल्ली एम्पोरियो का पूरा मॉल इसके अंदर आ गया, फेंडी एंड लुई विटों एंड डियोर एंड द टॉप शॉट्स प्रादा, सो या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स अ नाइस होटल। मैं पकड़ूं आ मेरे पीछे रहना। Yeah.
How was it? It was pretty good. Very nice. Very cool. Yeah, it was. Yeah. Yes. Yeah, I know. Nice. Yeah. Abari, I had the Mirage.